सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। शासन प्रशासन ये बताओ कि किसानों की समस्या ना आ जाए, और शासन और प्रशासन अगर मिलकर पेमेंट की सोचे तो किसानों का पेमेंट हो जाएगा, या फिर ये कहो कि मिल वाला हमसे ऊपर है। समस्या है, हम पूरा पैसा ब्याज लेना चाह रही, या मिल में ताला मारेंगे, लोहा बन के रह जाएगा। बस बात है, निर्णय जो है कि किसानों का है, फिले फील्ड में है, जो किसान चाहेंगे वो होगा। तो क्या निर्णय ले रखा किसानों का, फाइनल बता दो। फाइनल या कमेटी आ ली अंदर। नहीं, आपने क्या निर्णय ले रखा? हमने ले रखा पूरा भुगतान है, ब्याज मिल जा। अच्छा। हाँ, इसी बार पा रहे हमारी। पहले जो धरना उठा था तो क्या, किस शरत पर जो है ये धरना उठा था, क्या कहा था? मिल उठा था, लोग आधा चार किस्तों पे दे देंगे, किस्त 25 करोड़ की। हाँ, और चार देंगे 45-47 करोड़ की। और दिए हैं, फिर एक नाइट के वादा खिलाफी कर, वादा खिलाफी करते, झूठ बोल रहे सब। पहली बार इतना लेट हुआ है, हमेशा से इतना लेट होता आया? नहीं, पहले तो इतना लेट नहीं होता, ये 2-4 साल तो ज्यादा गड़बड़ सी आई। हाँ, जब तक सुरेश राणा करना मंत्री बना, जब तक ही गड़बड़ था, जब तक नाश हो रहा है, जब तक नाश बैठा। तो लगता है आज जो है बात करने के लिए गया, फैसला सकारात्मक होगा? झूठा मिलेगा वादा, तो जब बता दिया पहले झूठा नु सोच रहे कि किसानों को अंतर ठा दो रही है, उठ कर जाते नहीं बिके। अच्छा। इब किसान आर पार करके जाएंगे यहाँ से। भाई आप नौजवान हो, यहाँ धरने में आ रहे, तो क्या भर्ती वर्ती और नौकरी की तैयारी नहीं करनी क्या? भैया गवर्नमेंट ने छोड़ रही कहाँ कुछ। अच्छा, बताओ, जो हर कोई भर्ती के कोर्ट के अंदर है, दिल्ली फायर की भर्ती हुई थी वो भी कोर्ट में चल लिया कल, उसकी तारीख आपको पता भी होगा। सब भर्ती, रोजगार तो देखो खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के किसान क्या थे, यहाँ के किसान ज़्यादातर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा देते थे, तो सबसे पहले सरकार की यही मुहिम है कि इन किसानों को ख़त्म कर दिया पश्चिमी यूपी के। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारी तानाशाही चलेगी, जो तुम चाहोगे वो कर सकोगे। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी जिला शामली में है, जिला शामली में हम जो है शामली शुगर मिल पर है। यहाँ पर पिछले 19 दिन से लगातार किसान जो है अपने बकाया गन्ना भुगतान को लेकर धरने पर बैठे हैं। किसानों ने मिल में होने वाले काम को रुकवाया हुआ है। किसानों का कहना है कि जब तक हमारा संपूर्ण भुगतान नहीं होता, जब तक हम मिल में काम नहीं चलने देंगे। हालांकि मिल चलने का समय जो है नवंबर में मिल चलेगा, मिल चलने से पहले उसकी रिपेयरिंग की जाती है। रिपेयरिंग का काम जो है यहाँ पर जो है किसानों ने रुकवाया हुआ है, और हम अभी जो किसान यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि 19 दिन लगातार धरने को, वगैरह बात कहाँ तक पहुँची है और कितना गन्ना भुगतान अभी तक हो पाया है। जी नमस्कार जी, आपका नाम? अनंकपाल सिंह, गांव टिटोली। किरण पाल जी, लगातार जो है जिला शामली के किसानों को 19 दिन धरने पर बैठे हो गए, अभी तक कहां तक बात पहुंची है, कितनी मांग जो है किसानों की पूरी कर पाया है प्रशासन अभी तक, मिल वाले या प्रशासन? ऐसे मांग पूरी करने से किसानों का काम नहीं होगा, किसान अपना पूरा पेमेंट ब्याज सहित लेकर के ही मिल की जगह छोड़ेंगे, उससे पहले कोई भी विचार हमारा छोड़ने का नहीं है। अच्छा, पहले जो है किसान सोसाइटी में बैठा, फिर जो है हाईवे पर बैठा, फिर अंदर तहसील में बैठा, अब यहाँ पर तो जगह जगह किसान बैठ रहा है, तो क्यों बात नहीं मानी जा रही है? अब ये तो शासन प्रशासन ही बताएगा क्यों बात नहीं मान रहे, किसान के तो हाथ में इसमें कुछ नहीं, किसान तो अपनी समस्या लेकर बैठा। शासन प्रशासन ही ये बताओ कि किसानों की समस्या ना जाए, और शासन और प्रशासन अगर मिल के पेमेंट की सोचे तो किसानों का पेमेंट हो जाएगा। अच्छा। या फिर ये कहो कि मिल वाला हमसे ऊपर है, मिल वाला हमसे बड़ा है, हम इसको कुछ नहीं कह सकते। शासन अपने हाथ खड़े करो मिल वाले के प्रति, और हमको दिखाई भी यही दे रहा कि कहीं ना कहीं शासन या प्रशासन का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। मिल का काम रुकने से आप क्यों रुकवाया है, क्या प्रेशर मिल वालों पर बनेगा? हमारे बहुत दिनों से पैसे रुके हुए हैं इसकी तरफ, इसका भी काम रुका हुआ है, हमर रहे उसमें हमारा नुकसान हो रहा, लेकिन जब हमर रहे तो हम क्यों चाहेंगे दूसरा जिंदा रहे। अच्छा, अगर तारीख क्या होती है मील चलने की, जब गन्ना डालना शुरू हो जाता है कि ये तारीख होती है चलने की मील? ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। अच्छा। लेकिन नवंबर के शुरू में मील लगभग चल जाते हैं। तो अगर मील नहीं चल पाया तो गन्ना भी खराब, मतलब छोलने लगेगी, गन्ना मिल तक नहीं पहुंच पाए तो काफ़ी नुकसान आपका भी हो जाएगा। फिर यहाँ मतलब नुकसान तो आपका ही है, फिर भी पेमेंट नहीं मिल रहा है, वहाँ भी नुकसान आपका ही होगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, उस नुकसान को सहन करने का मन बना लिया। अच्छा, मन बना लिया, गन्ने का नुकसान होगा। अच्छा, उसको सहन करने का हमने अपना मन बना लिया। अच्छा, प्रतिनिधि भी आते हैं आपके बीच में, जो जनप्रतिनिधि भी है, उनका क्या कहना है इस बारे में? जनप्रतिनिधि
कि यहाँ से काम नहीं चलेगा। अच्छा, नहीं चल रहा। वो कहीं ना कहीं अपने परिसर में, अपनी पार्टी के परिसर में, अपनी उसके परिसर में, इधर उधर के परिसर में रहते हैं। वो आते हैं तो केवल अपनी वोट इकट्ठी करने के चक्कर में आते हैं, किसान का पेमेंट दिलवाने के लिए नहीं आते। तो लगता है आपको जो है आपका किसानों की ये समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि अभी दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली में त्यौहार होता है, पैसा भी चाहिए होता है, बच्चों की फीस भी है, तो वो कैसे मैनेज कर पा रहा है किसान? इस देश की सरकार को सोचना चाहिए, आपकी प्रजा कितनी परेशान है उसको सोचना चाहिए, और उसको ये भी सोचना चाहिए इस प्रजा से ही आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। इस बार दिवाली फीकी रहेगी आपकी अगर भुगतान नहीं होता? बिल्कुल, किसानों की दिवाली फीकी रहेगी। भुगतान क्यों नहीं होगा? भुगतान ना होगा, और भुगतान जब तक नहीं होगा जब तक नहीं हटेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या लग रहा है जी? रोज आकर बैठ जाओ, पहले भी बैठे, भी बैठे, तो मांग क्यों नहीं मानने जा बैठे? ये जो है 200 करोड़ रुपए ब्याज हमेशा लेकर जागे। अरे ये 200 करोड़ में तो कुछ दे दिया है ना, शायद दिया था 50 करोड़ डालिए। अच्छा, 50 करोड़ डालिए। हाँ, समस्या है, हम पूरा पैसा ब्याज लेना चाह रही है या मील में ताला मारेंगे, ये लोहा बनकर रह जाएगा। यानी किसान तो क्या चाह रहा, किसान क्या चाहता? किसान तो चाहता है मिल मालिक अपना मिल चलावे, किसानों को कुछ पैसे दे दे, हम अपनी पेड़े कर रखी गेहूँ बोले और हमारी इसकी भाई बंदी रहे। किसान का और इसका पूंजीपति का लोंगोटी आ रहा है। क्यों पूंजीपति? अगर किसान के बारे में सोचे, हम क्यों पूंजीपति के बारे में सोचेंगे? हम तो उससे पहले झोंक देंगे, हमारे ऊपर तो मिल खड़ा। समस्या है हमारी दुआड़ी त्योहार जो है वे सारे ठीक ठाक मने, हमारी जागतों की फीस जावे, जो बीमार है उन्हें अस्पताल में दिखा लें, जो भी परेशानी है कोई गरीब आदमी है उसकी जो परेशानी है वो हासिल हो जा। यूनिफॉर्म पैसे वाला कहना मैं हम ही हमें पैसे वाला कुछ नहीं है। यहाँ इतिहास है लाल किले, आगरे के ताजमहल वालों का पिछाण भी नहीं है, खत्म हो गए। यहाँ जो इसका किसान है, इस किसान के विश्वास करके सारे त्योहारे हमारे ऊपर, ये किसान किसी नेता के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर नहीं आ रही, ये सिर्फ नुहारे भाई, ये लोग हमारा पैसा दुआ देंगे। हमारे डाल के 20-30 आदमी यहाँ लग के इन्हें पैसा दुआने के चक्कर में तो है, इसमें समझौता कुछ नहीं, पूरा पैसा और ब्याज। अगर बाई चांस है किसान चाहते हो हमें 150 करोड़ रुपये मिल जाए, 125 करोड़ मिल जाए और बाद मिल चल पड़े, बस बात है। निर्णय जो है किसानों का है, फिले फील्ड में है, जो किसान चाहेंगे वो होगा। यहाँ तो क्या निर्णय ले रखा किसानों का, फाइनल बता दो। फाइनल जो कमेटी आ रही अंदर। नहीं, आपने क्या निर्णय ले रखा? हमने निर्णय ले रखा पूरा भुगतान है, ब्याज मिल जा। अच्छा। हाँ, इसी बार पा रहे हमारी। अच्छा, यह मिल बंद रहे अब जो पड़ गया, गन्ना हमारे कंटों पर गिरेगा सीधा, हम जहाँ जाएंगे वहाँ पहुँचा देंगे। 75 साल हो गए सड़क पर है अंधाता, और ये जो है जिन्हें हम जीता हुए, ये रसमलाई खत्म, विधानसभा राज्यसभा मौज ले रहे रसमलाई खा रहे, ये हमारे ऊपर तो खा रहे। अगर हम सही आदमी चुने, हमारी बात करे, हमें बैठने ना पड़े, हम गलत चुन रहे। इस टाइम आधे पोवे में गाड़ी में बिक जाओ, यह कमी है। तो अगली बार 27 का इलेक्शन आ रहा, तो सोच समाज का चुनोगे क्या? अरे सोच समाज के तो हम तो पहले से चुनते आ रहे, हमारी पार्टी 75 साल तक चौधरी चरण सिंह वाली है, उन्हें धोखा नहीं दिया, ना चौधरी चरण सिंह ने दिया, ना अजीत ने दिया, और जयंत भी नहीं देगा। अगर जयंत देगा हम छोड़ देंगे उसे भी। अगर जो किसान को धोखा देगा वो बर्दाश्त नहीं है। किसान जवान मजदूर है, तीन चीज़ें हम इनके ऊपर मरे। अच्छा, आपने चौधरी साहब की बात की, तो उसी से रिलेटेड मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। हाँ, चौधरी साहब अभी सत्ता का हिस्सा है, तो वो अपनी मान मनवा सकते हैं, तो क्या लगता है इस बार गन्ना 400 पार हो जाएगा? चौधरी साहब सरकार में है, हमारा साथ जाए, हमारे 2 MP है, तीनों जिले हमने हरा दिए, हमारा वजूद, हम क्षेत्र जट्टों का है, और यहाँ वो दूसरे जीत के खिलाफ पड़े, वो जो 2 है उन 2 से इतना काम कर देगा, 100 तो नहीं करे कोई आदमी। आपको उम्मीद है होगी? नहीं उम्मीद ही, मैं बताऊँ, हम दिल्ली बैठे, दिल्ली कितने दिन बैठे, 13 महीने बैठे, वहाँ जब आफत आ गई किसानों पर, और तो वहाँ की परेशानी आ गई, पुलिस हंगामा उठा होती। चौधरी अजीत सिंह ने एक बार कहा था, किसान बैठे छू ना दिए, बर्दाश्त नहीं होने की, और छुए तो नहीं ना उठा, वही बात यहाँ हुई। गौरव आया रात को 1:30 बजे, फ़ोन करती हुई, गौरव ने कह दिया ये किसान बैठे ना छू ना दियो, अगर जो छू दिए बर्दाश्त नहीं होने की। ये तो वह कौम है जो जहाज में होक्का और गुस्से गए। अरे मैं कहूँ इन पर विश्वास, सच्चा ईमानदारी है, कुछ स्वार्थी हो गए। हम तो किसान उसे कहें, अगर इनको बस जा रही, अरे मैं चौधरी हूँ और कोई गरीब आदमी है, वहाँ अपनी लड़की को ले खड़ा कहना, चौधरी बैठा बैठा दे बस में लड़की, वे चौधरी से हम तो इफ चौधरी से बीत करने के, परेशानी आ गई, कुछ गिरे हो गए हमारे में, या कमी होगी। तो आपके जज्बे को सलाम है, इनका भी कर लगकर हमारे जी। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। बब्बा जी, आपका नाम? अजय पाल। क्या बात, बीड़ी बीड़ी पी रहे हैं, यही लौटने का इरादा है आज? आज यही रहेंगे भाई। अच्छा। जो फैसला और सुनेंगे, जो गलत फैसला यही रहेंगे। अच्छा। और भाई इतना ब्याज और पेमेंट पूरा नहीं देते, हम जाते ही नहीं देते, साल भर हो जाओ। आप कब से धरने में आ रहे हैं? हमेशा आ रहा, 19 दिन हो लिया आज। अच्छा, खेती वेती नहीं छोड़ रखी? नहीं, सुबह ही करे काम खेत। अच्छा, सुबह करेगा शाम को? बस शाम को आ जा। अच्छा।
अच्छा, कितना रुक रहा बकाया भुगतान आपका भी? मेरा 2 लाख है। अरे 2 लाख? कब का? कितने साल से? 3 साल हो लिए। अच्छा। हाँ, घर बीमार पड़े बच्चे, फीस नहीं जा रही, घर वाले बीमार, दवाई के पैसे नहीं, कुछ ढंग से बैठ रहा हिसाब। और जिस पता लिया कहते भाई जमीन लिख देंगे, बता दूँ कहाँ से ले आओगे भाई। अच्छा, यहाँ भाई साहब बैठे थे चौधरी साहब, को कह रहे थे भाई सत्ता में चले गए हमारे सारे काम हो जाएंगे, लेकिन उनके सत्ता के मतलब सरकार का हिस्सा बनने के बाद भी आपको धरने पर बैठना पड़ रहा, ऐसा क्यों? धरने पर बैठना पड़ रहा, मानते नहीं किसी के, अपनी अपनी जलवाए। कौन? भाजपा वाले अपनी अपनी जलवाए। चौधरी साहब की सुन नहीं रहे? नहीं, कभी नहीं सुन रहे, जो सुनते हम करते रहे, पहले ही पेमेंट दुआते ये मील बिक गया फिर पेमेंट देना, तो काट लिए उन्होंने, तो पहले ही काट लिए उन्होंने। हम जमीन बेचेंगे जब हमारे पास लोन होगा तो पहले कट जाएगा, लेना पहले देगा भाई लोन दो पहले जी लूँगा मैं, तो वो हिसाब है जमीन बिल के पैसे सारे आ लिए उस पर और दे दिए ना, जो बका दे दिया और जो कर्जा था इस पर। अच्छा, पहले जो धरना उठा था तो क्या किस शरत पर जो है ये धरना उठा था, क्या कहा था? मिलो उठा था, लोग आ रहा है 4 किस्तों पे दे देंगे, एक किस्त 25 लाख की, 25 करोड़ की, हाँ, और 4 देंगे 45-47 करोड़ की। अच्छा। और दिए नहीं, फिर एक देगा फिर नाइट के वादा खिलाफ़ी करते, झूठ बोल रहे सब के डी एम के प्रशासन के शासन सब के मिल वाले। अब आपकी ये मांग है कि भाई एक साथ हमें सारा पैसा चाहिए, तुम्हारा ब्याज भी बोल भी ब्याज एक साथ चाहिए, और हो गए भी भिकारी तो मांग रहे हम, अपना है भाई। शामली शुगर मिल पिछले कितने दिनों से जो है ये दिक्कतें चल रही है शामली शुगर मिल को, कब से? 14 साल हो लिए। अच्छा, यही समस्या आ रही है। तो हमेशा से क्या पहली बार इतना लेट हुआ है, हमेशा से इतना लेट होता आया? नहीं, पहले तो इतना लेट नहीं होता, ये 2-4 साल तो ज्यादा गड़बड़ सी आई। अच्छा, जब तक सुरेश राणा करना मंत्री बना जब तक ही गड़बड़ था, जब तक नाश हो रहा है, जब तक नाश बैठा। पहले तो मतलब आता था लेकिन लेट आता था, आता जरूर था पर चल जाता काम, चलो महीना दो महीना बाद में आ जाता। अच्छा, तब जो आपने मील का काम रुका रखा तो आपका गन्ना यहाँ है, मील का काम नहीं चले तो क्या नुकसान तो और भी हो जाएगा आपको, फिर कैसे मैनेज करो? दिख रहा हमें नुकसान तो दिख रहा, भाई इसका फायदा तो कुछ है ही नहीं, पर जिस बात की आड़ लग जाए नुकसान तो होगा दोनों को, घना थोड़ा हो सके। तो आप लगभग आपका कितना गन्ना भी जो है खड़ा होगा जो नुकसान के कगार पे है? सारा ही खड़ा, इन लोग कहाँ गया? नहीं कहीं, इन लोग कहाँ गया? इसी के भरोसे है सारा सारा गन्ना। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार भाई, आजा, क्या हाल है बड़े भाई तेरे? बस बढ़िया, तू बता भाई क्या लग रहा जो है धरने पे बैठे किसान, और इतने दिन हो लिए वार्ता रोज हो रही, रोज विफल हो रही, क्यों हो रहा है सब चीजें भाई? एक तो आपको एक बात बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से आपको एक बात बता दूं मैं, ना तो अभी सरकार के मन में है पैसे देना और ना है अभी किसानों के मन में पैसे लेना। जिस दिन इस मील में किसान ही किसान चमकेंगे उसी दिन 1 घंटे के भीतर पेमेंट सबके खाते में पावेगा। भगत सिंह तो बन जा पर पड़ोसियों का बन जा, ठीक है? या कमी हमारे में, हम और में क्या दोष दे भाई? इकट्ठे होना पड़ेगा, काम नहीं चलने का। ना तो फैसला अकेला शास्त्री कर सकता, ना फैसला 100-150 साथ मतलब 6-7 साथ ही बैठे ही नहीं। रही बात ईब के, कई आदमी तो हमने सुनाए मान लिया, बहुत ही आदमी हमें नु कह रहे अग जिनका कांडा नहीं है वे धरना चला रहे। अच्छा। नहीं देखो भाई, हम उनसे एक बात कहना चाह रहे हैं भाई, जितने भी मेरे किसान भाई जो यह बात कह रहे भाई, हमें किसानों को साथ लेकर नेतागिरी नहीं करने, ठीक है, और ना हमें ठेके छुटवाने, हमें सच्चे ईमानदारी से भुगतान दुआना, और भुगतान लेंगे और ब्याज सुद्धा लेंगे। फिर इन्हें नकद भी तो दिया भाई, पिछले साल जब जाए मान लो वहाँ बैठ गरीब कर तजबात बता दी वादे कर करना ठहरा मिल वाला और बिक भी गई है, किसानों का पैसा ही तो लगा रहा समय, किसान इन पीछे छोड़ दिया और बस अपना इसमें जोड़ दिया काम, इन इसका आगे भी देने का ढंग नहीं है। अच्छा, तो आपको उम्मीद थी भाई मिल बिक जाएगा सरसाती लाल जी का, हाँ, त्रिवेणी पर आ जाएगा तो पेमेंट हो जाएगा, लेकिन उससे भी ज्यादा दिक्कत है आपको अब झेलनी पड़ रही है भाई। अब खुशी हुई तो आप बढ़िया लाला है, बढ़िया पेमेंट करेंगे, पर इनकी नीति में आज तो ही खोट आ गया। अच्छा, यह बीमारी इनके भीतर पहले जाग गई, तो लगता है आज जो है बात करने के लिए गया, फैसला सकारात्मक होगा। झूठा मिलेगा वादा तो जब बता दिया पहले, झूठा नु सोच रहे कि इन किसानों को अंतर ठा दो रही है, उठ कर जाते नहीं बिके। अच्छा। किसान आर पार करके जाएंगे यहाँ से। आपका नाम? सुभाष देसवाल।
अच्छा सुभाष जी, क्या लग रहा रोजाना जो है धरने में बैठ रहे, वार तो हो रही, तो बात जो है क्यों नहीं, किसानों का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? समाधान भी होगा भैया, अरे नेड़ी बात थी। हार मान लो रहे, हम भी मान लो गिरे, और के कर्मचारी भी अरब में भी, और कुछ सरकार को भी कर दी ना हो कर दी। क्यों नहीं बाघ माननी जा रही, किसानों को परेशान किया जा रहा पूरा, ऐसा क्यों हो रहा है चीज़ें, ऐसा क्यों हो रहा है, किसानों की बात नहीं माननी जा रही बिल्कुल भी, बेमानने में। अच्छा बेमानना है, अपन पीछे तो बधेरा नहीं कर दे नहीं रहे। हाँ तो क्या किसान के पैसे से कोई बाहर बिजनेस कर रहा है, बड़ा क्या कर रहा है, भागने का प्लान है मिल वालों का? भागने का तो प्लान है नहीं, पर आप बिजनेस जरूर कर रहे होंगे बैर। अच्छा, को छोड़ कर भाग गया कौन। अच्छा, बैर बिजनेस जरूर कर रहे होंगे। अच्छा पिछले दिनों बहुत सारी चीज़ें यहाँ सुनने को आई कि भाई धरने दो जगह बट गए, आपस में किसानों का जो है सही वो नहीं बैठ पा रहा, वो चीज़ें, तो उसमें कितने सच्चाई है? नहीं धरना तो देखो एक ही है, अलग अलग बैठ गए थे, अब कुछ वहाँ बैठ लो कुछ वहाँ बैठ लो, किसान तो एक ही है, एक ही है, सब सबकी लड़ाई। हाँ हाँ एक ही है, इसमें फूट वाली कोई बात नहीं है ना कोई बात। जी नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? हरिंदर कुमार देसवाल। देसवाल जी, क्या लग रहा है यहाँ धरने पर है सब लोग, इतने दिन सा 19 दिन लगातार हो लिए, पहले भी धरना चल चुका, तो हर बार जो है किसानों को ऐसे ही उठा दिया जा, तो क्या इस बार भी वही इरादा है? नहीं भाई, इस बार तो न उठने वाला है नहीं, किसान अपना पेमेंट लेके ही उठा। तो कितना लगभग, क्योंकि पहले भी उठा गया था, तो कितना जो है धनराशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी, जो पिछला भी लास्ट जो धरना उठा था? पिछले में आगे का तय होकर पिछले की किस्त बंद कर धरना उठ गया था, मतलब ये सीजन का हम 14 दिन दे देंगे और पिछला किस्तों में दे देंगे, और भाई रुख रहा हमारा उससे भी पिछला लड़ाई इस पे, आगे का तो ह्यूज नवे सीजन में जो कुछ करेगा भाई वो तो आगे आने वाले टाइम की बात है। आखिरी पेमेंट आपका कब आया था लास्ट? कौन सा गन्ने का भुगतान जो है आपका लास्ट कब आया था? एक तो यू कल आया हमारा 15 जनवरी का, पिछले साल का 22-23 का रुका हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी। नमस्कार भाई, आप नौजवान हो यहाँ धरने में आ रहे, क्या भर्ती वर्ती और नौकरी की तैयारी नहीं करनी क्या भैया? गवर्नमेंट ने छोड़ा ही कहाँ कुछ। अच्छा बताओ, जो हर कोई भर्ती के कोर्ट के अंदर है, दिल्ली फायर की भर्ती हुई थी वो भी कोर्ट में चल लिया, कल उसकी तारीख आपको पता भी होगा, सब भर्ती हो, रोजगार तो देखो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब किसान क्या था, ये गन्ने की बेल्ट है, यहाँ पर गन्ना ही आता है, इधर से भुगतान नहीं रहता, तो किसान तो हर तरह मर रहा, नौजवान भी मर रहा, गवर्नमेंट से तो हर कोई परेशान है। लेकिन चलो ये चीज़ें की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रोज़गार होता है किसानों के पास, वो खेती भी हाईवे के नाम पे, किसी प्रोजेक्ट के नाम पे, ऊपर से जो है खेती पूरी महंगी कर दी, खाद महंगा कर दिया, तो किसान लड़के आर्मी में जाते थे वो ख़त्म हो गई, अब तो किसान को कहाँ ला के छोड़ रही है किसान को तो ये बिल्कुल सड़क पर ला के छोड़ रही है, ये सोच रहे किसान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, खासकर पश्चिमी यूपी में आप देखो ये हाईवे निकाल रहे हैं, वो नहर का जिक्र चल रहा है, क्योंकि यहाँ के किसान क्या थे, यहाँ के किसान ज़्यादातर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा देते थे, तो सबसे पहले सरकार की यही मुहिम है कि इन किसानों को ख़त्म कर दिया पश्चिमी यूपी के, अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तुम्हारी तानाशाही चलेगी, जो तुम चाहोगे वो कर सकोगे, तो यहाँ के किसान को दबाने की कोशिश हो रही बहुत ज़्यादा, और इसी कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है। त्रिवेणी ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है, बहुत बाकी फैक्ट्री चल रही है, इसकी 6 फैक्ट्री चल रही है, उस पर समय पर भुगतान है, सब कुछ है, यहाँ पर आके क्यों नहीं दे रहा है? ये गवर्नमेंट ही तो इन दिलाना चाह रही है यहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे किसानों को पेमेंट मिल गया, किसान की तरक्की हो जाएगी, किसान तरक्की कर लेगा तो गवर्नमेंट को दिक्कत है उस चीज़ से, इसलिए यहाँ का भुगतान नहीं हो रहा है, वरना भुगतान कब का हो जाता है यहाँ पे? सारी चीज़ किसान को, यहाँ के किसानों को कमज़ोर करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए ही सब कुछ हो रहा है। क्या नौजवान भी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल नौजवान है, आप पीछे दिखाइए इधर भी नौजवान है, यहाँ पे मानिए आप अगर 100% किसान है तो उसमें 30% नौजवान आ रहे हैं, क्योंकि सब परेशान है उसमें, हर कोई परेशान है। हम अभी जिला शामली में थे, जिला शामली में हमने यहाँ पर किसानों और नौजवानों से बात की, पिछले लगातार 19 दिन से किसान धरने पर बैठे हैं, पिछले एक दो महीने पहले भी किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन उन्हें ये आश्वासन दे के उठा दिया गया था कि हम आपका जो है किस्तों वाइज आपका सारा पेमेंट कर देगा, लेकिन एक किस्त आने के बाद किसानों की दूसरी किस्त नहीं आई, जिसके बाद मजबूरन किसानों को जो है यहाँ पर धरने पर बैठ गए, और किसानों का कहना है जब तक हमारा पूर्ण भुगतान ब्याज सहित नहीं होता हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जुड़े रहे शीशे से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।